है। और मेरा बेटा बहू का भी एनिवर्सरी है, मेरी डॉटर को भी, उनको भी ग्रैंड पार्टी हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दीप्ति जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज पार्टी चल रही है। Thank you so much, ma'am. Beautiful. I think everybody is affirming this a lot, that life is a celebration, because every day at 6 o'clock in the morning we start with celebrating life, celebrating birthdays, celebrating anniversaries. So this was amazing, and it will be a beautiful year. In any case, if you've noticed that इस बार जो first शुरू हुआ था वो new moon day से हुआ था. So yesterday was Ekadashi, and 28 जो पूरी moon की cycle होती है, that's on 28th only. So it's a 28-day cycle. So the year has started so much in alignment, and everything, every celebration, every milestone that all of us have is going to be like, this year is very, very glorified. And definitely, so Sonia ji, wish you a very happy birthday. Sarita ji, आपको बहुत बहुत you know, आपकी anniversary, many years of togetherness. You go and enjoy in Goa for 10 days. She's going to Goa for 10 days. So go enjoy. That will be your, you know, like carry Neha through of your anniversary celebrations. Neha Bhardwaj ki bhi anniversary hai. Oh, so, Neha Bhardwaj. Wish you very happy anniversary. Enjoy your life. Enjoy, laugh, love, grow. Speak the truth always. Authenticity. All those things, you know, so take care, because universe loves integrity, honesty, you know, it sees small efforts that you make to grow your life, and you will get rewarded accordingly. So it is like that. So yeah, very good, very nice. We're celebrating, and this is Magic Morning. Magic Morning starts with so much of celebration. Ma'am, even मेरा बेटा बहू का भी है। हाँ जी, बिल्कुल। आपके बेटे और बहू को बहुत सारी मुबारक, और उनकी भी जिंदगी ऑफ कोर्स आपके परछाई में रह के उनको बहुत ग्रो करेंगे। आप में इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, और आपकी परछाई में मेरी डॉटर है, बड़ी वाली, दिल्ली में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी बर्थडे आज, बर्थडे है या। अरे वाह, क्या बात। Thank you so much. So this is day 11 Magic Morning. So Priya ने कल रात को भी याद दिला दिया था Magic Morning, that हमारा morning में जब हम bed पे होते हैं और जब हमारी आंखें खुलती हैं, उसके बाद से हमको gratitude करना शुरू, और ये वाली practice अभी चलेगी जब तक हम नहा धो के तैयार नहीं हो जाते, till about say 10 o'clock or something, because morning का time तब तक चलता रहता है. And everything that we touch, use and see, because morning has a power. So अभी तक I'm sure हम सब ने वो बुक पढ़ ली होगी, The Morning Miracle, The Miracle Morning by Elrod. So beautiful book it is. And नहीं है तो दोबारा से पढ़ लेना, छोटी किताब है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 दिन में। ऑडियो बुक है, वो ऑडियो बुक सुन के ख़त्म कर लेना, but also you know take the points from there which talks about the power that lies in the morning time. We've always been telling that Brahm Muhurat में power होती है, सुबह के time इसको लिखने से ये होता है। तो ये डिफरेंस मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ एफर्मेशंस, ब्लेसिंग्स जो मैं सुबह लिखती हूँ, मतलब एज अ रिचुअल, सो वो चीज़ें इतनी मिस्टिकली फुलफिल हो रही है, यू नो, विज़वी द थिंग्स दैट आई राइट ड्यूरिंग द डे, यू नो. सो दिस इज़ द पावर ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग में बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं होता आप और यूनिवर्स के बीच में, तो आप जो बोलते हो वो यूनिवर्स के दरबार में पहुँच जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी, बिना किसी रुकावट के. और वो चीज़ आप देखोगे कि बहुत जल्दी होनी, इसीलिए कहते हैं कि अपनी यू नो नाइट को बड़ा रखने से अच्छा है अपनी मॉर्निंग को बड़ा रखो, यू नो, एंड यू विल सी एन इमीडिएट शिफ्ट इन योर लाइफ. सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको इमीडिएटली एक शिफ्ट दिखेगा, और आप देखोगे कि वो चीज़ें एकदम से किस तरह से यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट, बिकॉज वी आर ऑल व्हीकल्स ऑफ यूनिवर्सल ऑर्केस्ट्रेशन, है ना. और वो व्हीकल लुढ़कती पुढ़कती चल रही है कि स्ट्रेट चल रही है, स्मूथ रोड पे चल रही है, विक्ट्री की तरफ जा रही है, बार बार गिर रही है, बार बार डिरेल हो रही है. ये सब डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह को कैसे यूज करते हो, जिसपे रॉबिन शर्मा ने वो बुक लिखी हुई है, द 5 AM क्लब. तो उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि तीन चीजें हैं जो वो कहते हैं कि वन थर्ड हमको करनी चाहिए सुबह। सबसे पहले उन्होंने बताया था मेडिटेशन या जर्नलिंग। उसका मेडिटेशन इज कनेक्टिंग टू योरसेल्फ। सो उनका ये कहना था कि जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हो तो लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती दैट यू कैन नॉट अचीव, बिकॉज हमेशा हम बाहर की चीज़ों से कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं, ये फिक्स हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो हो जाए, पैसे आ जाए, बिजनेस आ जाए, जॉब ठीक से लग जाए, बहुत अच्छा हो जाए, बच्चों का भी बहुत अच्छा हो, हमारा भी बहुत अच्छा हो, हेल्थ बहुत अच्छी एंजॉय करें। लेकिन जब अंदर देखते हैं अपने आप से, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, सो एवरीथिंग फॉल्स इन टू प्लेस। फिर लाइफ में एफर्ट वर्ड नहीं रह जाता, है ना। सो दैट एंड दूसरा ऑफ कोर्स वो कहते हैं जर्नलिंग, ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड या जो भी चीज़ है, दैट ही सेज दैट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सब करते ही हैं। आई थिंक सबसे उठते से ही हम काउंट माई ब्लेसिंग्स करते हैं। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं एक्सरसाइज, मूविंग द बॉडी। और उसके बारे में वो बहुत डिटेल में उन्होंने अपनी किताब में समझाया है कि किस तरह जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हो तो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कभी आपको लो फील नहीं कराएंगे, डिप्रेशन, उन सब फीलिंग्स में नहीं जाने देंगे। यू विल नेवर डिप लो इन योर लाइफ, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह आप क्रिएटिविटी और अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो एक्सरसाइज करके, मूव करके। तो वो साइकिलिंग करने जाते हैं रॉबिन शर्मा, और मैंने उनका वीडियो देखा था जब वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने पूरा अपना रिचुअल बताया था, हाउ डज रॉबिन शर्मा लीड हिज डे। तो उसमें उन्होंने अपने होटल में जाके, बिकॉज इंडिया में वो इस तरह से बाहर ऐसे गए नहीं थे, तो वो अपने होटल में ट्रेडमिल कर रहे थे, और वो कहते हैं चाहे आप 20 मिनट के लिए करो, बट मूविंग योर बॉडी एंड इंक्रीजिंग योर हार्ट बीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज टोनी रॉबिन्स के सारे पॉडकास्ट और बुक्स में मैंने पढ़ी है कि बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज करने से बहुत ज्यादा बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और उससे स्ट्रेस बीट होता है, तो आप लो जोन में बार बार जाते ही नहीं हो। और वो कहते हैं कि इससे बॉडी फिजियोलॉजी चेंज करने की वजह से आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में डिफरेंस देखना शुरू हो जाता है, और ये सब इनविजिबल रैम से होता है, ये अपने आप, देयर इज अ प्रोसेस टू इट एंड इट जस्ट हैपेंस। तो वो कभी भी जब स्टेज पे भी आते हैं, अगर आपने देखी है आई एम नो गुरु, आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट, इट्स स्टिल देयर ऑन द नेटफ्लिक्स, आई एम नॉट अ गुरु बाय टोनी रॉबिन्स। सिर्फ 1.25 घंटे का उनका लाइव शो है जो अनलीश द पावर विद इन का एक एपिसोड है जो आया है, उसमें आपको पावर पता लग जाएगी टोनी रॉबिन्स की कि उन्होंने 2-2 मिनट में कैसे लोगों को हील किया है, मतलब NLP टेक्निक के थ्रू। और वो लाइव ऑडियंस के साथ में है सब कुछ, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट मूवी, इट्स ऑन द नेटफ्लिक्स। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन डूइंग सम ग्रेट थिंग्स सो दैट लाइफ बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड मैजिक मॉर्निंग इज वन ऑफ देम। एंड सो टोनी रॉबिन्स ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं या वैसे ही जंप करते हैं, या उनके घर में पूल है तो कह रहे हैं आई जस्ट व्हेनेवर आई फील लो और डिस्टर्ब्ड, और मुझे लगता है कि मेरी मतलब मेंटली थोड़ा वो हो रहा हूँ, आई जस्ट टेक अ प्लांज इन द स्विमिंग पूल और समथिंग। ट्रैम्पोलिन में जंप करने का हम सबको पता ही है, वो हमेशा करते हैं, स्टेज पे आने के पहले करते हैं, फिर उसके बाद जब वो ब्रेक लेते हैं फिर वो ट्रैम्पोलिन जंपिंग करते हैं, तो उन्होंने अपने साथ हमेशा वो रखा हुआ होता है। सो विद दैट हाई एनर्जी इंटेंसिटी ही एंटर्स, बिकॉज इन सबका कहना है, जितने भी हमारे गुरु हैं, दैट हर चीज दुनिया में मूव कर रही होती है, और अगर हमारी लाइफ में स्टैग्नेशन आ जाता है इसका मतलब है वी आर नॉट इन रिदम एंड अलाइनमेंट विद द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, है ना। बिकॉज जो 9 प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, ये लगातार मूव कर रहे होते हैं, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, एंड वाइल एट द सेम टाइम ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये लगातार, इवन द चेयर दैट वी आर सिटिंग ऑन, हमको लगता है कि वो सॉलिड वुड की है, नो, बट देन इट इज मूविंग। अगर हम उसको बहुत हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें लगातार एटॉमिक मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही होती है। सो कोई भी चीज सॉलिड नहीं होती, इट्स मूविंग ऑल द टाइम, एवरीथिंग हैज एनर्जी। So this is the reason why, they all say that in the morning when how you utilize that first 1 hour, 2 hours or whatever, Robin Sharma 3 घंटे बोलते हैं कि सुबह के 3 घंटे आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो दर्पण है कि आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है। और वो कहते हैं कि बस मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप अपने पहला जब सुबह उठते हो तो 2-3 घंटे कैसे यूज करते हैं, वो देख के मैं बता देता हूँ कि वो किस तरह के इंसान है, मुझे ज्यादा कुछ पूछना ही नहीं पड़ता उनसे। सो दैट इज हाउ इट इज, एंड फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोग बहुत टाइम से मैजिक मॉर्निंग रिचुअल तो करते ही आ रहे हैं, मतलब हमारा तो मैजिक मॉर्निंग का रिचुअल बाय डिफॉल्ट ही काउंट माय ब्लेसिंग्स है, बट ऑफ कोर्स हम एक्सरसाइज नहीं करते। बट वो जो 2 साल कोविड के थे तो उसमें आई वाज डूइंग माई प्राइमिंग बोलते हैं टोनी रॉबिन्स इसको तो उनके हर सेशन में जब आप अटेंड भी करोगे तो हर 15 मिनट पे खड़े होके जंप करना पड़ता है और करना ही पड़ता है. एवरीबडी हैज कैमरा ऑफ रखने का ऑप्शन तो होता नहीं उनके उसमें. द कैमरा ऑफ मतलब यू आर आउट ऑफ द मीटिंग, इट्स लाइक दैट ऑटोमेटिक. सो वो कैमरा ऑन रखने का ऑप्शन और एवरीबडी हैज टू स्टैंड अप. देयर आर पीपल ऑन द व्हील चेयर बट दे आर मूविंग देयर आर्म्स एंड लेग्स और वो म्यूजिक प्ले होता है और उसके साथ करते हैं सो दैट यू आर इन दैट रिसेप्टिव मोड ऑफ जो भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप एब्जॉर्ब तभी करते हो जब आप मूवमेंट में होते हो. अगर स्टैग्नेशन में आ जाते हो तो आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. So this is about the power of the magic morning. So COVID के टाइम में हमेशा 20 मिनट के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 20 मिनट्स के लिए सुबह like you must move your body. So वो करते हैं. But then of course after the session I'm sure all of us go somewhere and do something, a gym, a yoga or whatever it is, walk. कई लोग सेशन के टाइम भी वॉक कर रहे होते हैं. सो विच एवर वे वॉट एवर सूट्स यू प्लीज डू, बट आई वुड स्टिल एडवाइज सेशन के टाइम बैठ के इंटेंटली सुनना, बिकॉज दैट्स ऑल्सो गिविंग रिस्पेक्ट टू द ऑथर्स हु हैव गिवन टाइम इन राइटिंग द बुक, यू नो, एंड दे हैव रिटन द बुक सो दैट आवर लाइफ चेंजेस. सो एटलीस्ट रिसेप्टिव होना, इंटेंटली सुनना, ये हमारा फर्ज बनता है. एंड विच इज काइंड ऑफ अ रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट दैट वी कैन गिव टू दीज ऑथर्स. इट्स नॉट ईजी टू राइट अ बुक. Ask Soumya when she's writing one now, right now. It's not easy to write a book like that. और इतनी researches, इतने लोगों की मेहनत होती है उसके पीछे, तो उसको respect करने के लिए ऐसा. So yes, now we can start reading. सुबह. Yeah. So, good morning, ma'am. This is Niti. Good morning, Niti. Good morning. So I'll just explain this picture here. So इसमें बाथरूम बना हुआ है. सुबह का मॉर्निंग लाइट आ रही है बाहर से, तो मतलब उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है. फिर हमको शैम्पू, सोप्स, कंडीशनर, बॉडी वॉश वो सब नजर आ रहे हैं, थैंक यू उसके लिए. फिर उसके बाद मिरर है इसमें, उसके लिए थैंक यू. टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ब्रश, टॉवल्स, लाइट, वाटर, देन टॉवल्स यहाँ रखी हुई हैं और हॉट वाटर टब, पानी, इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू जो हम सुबह यूज़ करते हैं. सो एंड देयर इज अ लॉट मोर. कपड़े, वुलन्स, आज तो मैं वुलन्स के लिए भी कर रही थी. दैट कीप्स अस सो वार्म एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम, यू नो. सो देयर इज अ विंटर फैशन ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड इट कीप्स अस वार्म एंड सो कोजी एंड कंफर्टेबल. द बेड जिसमें हम इतनी सारी, यू नो, 3 क्विल्स होती हैं, मैं लेके सोती हूँ उसको. सो आई वाज सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ दैट. द पिलो, द मैट्रेस, एवरीथिंग, द इलेक्ट्रिसिटी, द ब्यूटीफुल कोजी वार्म रूम, है ना, ऑल ऑफ दैट. द बेड साइड लैम्प, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई पुट ऑन व्हेन आई वेक अप. सो ऑल ऑफ दैट. सो वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस. हाँ जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग. Day 11, a magic morning. Quote. When you arise in the morning, thinking of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love, by Marcus Aurelius, Roman Emperor. The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude, because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great, and that's when you will see the magic happen before your very eyes. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing once. It doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken you up for work, or you've slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, "Thank you for another day of your life." Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. Quote, "I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning." Unquote, by J.B. Priestley, writer and playwright. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words, "Thank you," in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch the you and use each thing for your breakfast, say the magic words, "Thank you." Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast: the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Every day without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic words, "Thank you," in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I'm guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing Magic Morning, but multiplied. Magic practice number 11, a magic morning. Number 1, when you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Number 2, from the moment you open your eyes until you've finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Number 3, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you. Thank you so much, Neeti, for reading so beautifully. Thank you. So here there is one word saying that concentrated gratitude. So that is what we need to do today. Or लगातार इतने घंटे rise होगा अभी कई countries में हो चुका है. I mean people in Singapore and all, they already have seen the sunrise. तो रोज एक नई सुबह उठने के लिए और जिंदा रहने के लिए, to be alive, it's a big thing. I mean to be waking up to another new day. Every day is a new life. It is a new beginning. जो कहते हैं कि हमारा बर्थ डे है, रोज हमारा बर्थ होता है. रोज रात को जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो एक नई बर्थ होती है, एक नई सुबह होती है. And that is how it has to be. Ma'am has got some network issue, I think. Let's be with her. Yeah, I think some issue. Yes, I think network issue, guys. Yeah. मुझे लगा शायद मेरा ही वो हो रखा होगा. नहीं नहीं मैम, मैम का हो रहा है, फ्रीज हो रखे हैं. I don't know. हाँ, वो भी चला गया. हाँ. So, yeah. So it's about the concentrated gratitude practice that we'll be doing today about the mornings. Whatever thing that we use today, just right from the sun, like sunrise जब होता है, sunrise के साथ हमारे life में जो नई नई चीजें आती, every day is a new beginning. That's what Pam was saying ना. Every day is a new beginning for all of us. Every day when we wake up and we open our eyes, that's a new day for all of us. Many people are there who don't know, like who didn't wake up. उस टाइम बहुत सारे लोग, आज के दिन भी बहुत सारे लोग उठे ही नहीं होंगे. मैम आ गई हैं. यस मैम. या थैंक यू प्रिया, यू सच अ बैकबोन पिलर, जो आपके लिए सही बोला था. मतलब आप हमेशा अलर्ट, कैमरा ऑन, बिल्कुल कि यू कैन जस्ट टेक ओवर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट पर्सन इन माय लाइफ. Yeah, so this is what it was कि बहुत बहुत बड़ी चीज होती है कि सुबह, रोज सुबह नहीं उठ रहे हैं तो उस सुबह को, उस दिन के लिए जब थैंक यू बोलते हैं ना. I'm sorry, did someone say something? That was a noise, ma'am. Nothing. That was a बीच में आया. अच्छा ओके सो हर सुबह के लिए पहली बात, अगर आप अपने दिन के लिए थैंक यू बोल दोगे ना, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रोज का दिन अगर हम किसी भी चीज को थैंक यू बोलते हैं तो वो एम्पलीफाई करती है ना, ये हमको पता है। सो सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस आर बेस्ड ऑन, टोनी रॉबिन्स का कोट है ये, मेरा नहीं है। All our life experiences are based on what we focus on. This is one line I had ratified जब मैंने उनका सुना था ये वाली line. All our life experiences are a reflection of what we focus on. Okay, so अपना focus अगर ये है that wow, life is so beautiful and I just love it. Life has so much to offer to us. जैसे हमने thank you बोला, आप life बोलती हो क्या, अब now I will show you what I can offer to you and you will get that series of amazing experiences happening in your life. That's how beautiful it is, है ना। So इसीलिए सुबह सुबह जिंदा हैं, उठे हैं, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू कहना। हमें पता नहीं है कि बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इनविजिबल रेल्म से किस तरह से रिवॉर्ड हमारी जिंदगी में वापस आएगा जब हम अपने हर एक दिन के लिए थैंक यू बोलेंगे और हर एक सांस के लिए थैंक यू बोलेंगे, दैट वी हैव लाइफ एंड वी वोकन अप टू अ न्यू डे। ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं, इनफैक्ट to that extent that insignificant लगती हैं, but we don't know that अपनी life और हर एक दिन के लिए जब हम thank you बोलते हैं, जो बहुत बड़ी नियामत है, universe की gift है, तो हम देखेंगे कि रोज का दिन हमारा अच्छा अच्छा और अच्छा होता जाएगा by the law of attraction, because whatever we focus on expands in our life. We are focusing on thanking the day. और फिर उसके बाद of course मैं जो बता रही थी पहले that इसमें जो फिल योर मॉर्निंग विद ग्रेटिट्यूड, तो आप देखो छोटी से छोटी चीजें अभी 10 बजे तक, आज कम बोलना, बहुत ज्यादा लोगों से बातें मत करना, ठीक है, बिकॉज मैजिक मॉर्निंग का डे है। तो इसमें सोशल इंटरेक्शंस एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस कम करके फोकस दैट कॉन्सेंट्रेटेड, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड अगर बहुत ज्यादा बोलना, ये करना, स्ट्रैटेजिक होना। सो वील कॉन्स्टेंटली डू इट और फिर देखना आज का दिन कैसा होगा और कल के एक्सपीरियंस में शेयर करना, है ना। These are the experiences we want you. We don't want a lot of ज्ञान on our group in any case, है ना। ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, हम सबको पता है क्या करना चाहिए, but what we want is this, that this is what I did and this is what I experienced, this is how I appreciated something and this is what I got back. ये चीजें, प्रैक्टिकल चीजें जो होती है, ये बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को एनरिच करती है। यार हमको बहुत पता है दैट बी नाइस टू एवरीबडी एंड दिस एंड दैट, या वी नो ऑल ऑफ दैट, ओके, वी नो दैट वी हैव टू बी नाइस। कल मैंने जो पोस्ट वो डाला था वो इसीलिए डाला था क्योंकि वो एक बड़े कोई वो है, मतलब एस्ट्रोलॉजर, वो उनका था, तो वो ही बातें कर रहे थे कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं, तो मैंने इस पर्पज से उसको डाला था, ठीक है, ये बताने के लिए कि देखो एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप पढ़ने वाले इंसान, वो ये बात कर रहे हैं कि पैसा जब आपके पास, आई डोंट नो वेदर आपने वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखा है कि नहीं, बट पैसा जब आपके पास, क्योंकि कल मनी मैग्नेट का चैप्टर था और उन्होंने वो एग्जैक्टली वही चीज बोली जो हमने पढ़ी थी सुबह, जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट जब आपके पास पैसा आता है इसका मतलब है आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। अगर पैसा है, और हम सबके पास इतना पैसा है कि हमको रोटी कपड़ा मकान मिला हुआ है, लाइफ इज इजी, इनफैक्ट रादर आई शुड से फॉर ऑल ऑफ अस, वी एक्सपीरियंस लग्जरीज एवरी डे, हम सबके घर में एसी है, ये है, वो है, तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास लग्जूरियस लाइफ है, प्रॉस्परस लाइफ ऑलरेडी है, चाहे हम कुछ भी सोचें बोलें, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि जब आपके पास पैसा आता है तो पैसा चाहता है कि आप उसको खर्च करो इंस्टेड ऑफ जोड़ो, और अगर आप पैसे की उन्होंने बोला था ये, तो इसीलिए एग्जैक्टली वही चीज बोली थी दैट जब आप सेलिब्रेट करते हो अपने पैसे से या वो सारी चीजें खरीदते हो जो आपको पसंद है, तो पैसा आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आना शुरू और हो जाएगा, क्योंकि पैसे को बिल्कुल रुक के रहना, एक जगह पे टिक के रहना पसंद नहीं है या जोड़ना पसंद नहीं है, ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली थी। आप दोबारा से वो इंस्टाग्राम पोस्ट दे लेना, अभी देखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो वो वैसे ही था, तो आज का भी यही है दैट फिल योर, सैचुरेट योर मॉर्निंग, सो सोशल इंटरेक्शंस थोड़े कम करके सुबह सुबह खूब सारा ग्रैटिट्यूड। अगर आप कोई मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भी बोल के आपको हाई कर रहा है या जो भी कर रहा है, हमको उनकी आवाज के लिए थैंक यू, उन्होंने हमको विश किया उसके लिए थैंक यू, उनके ब्रेन ने ये हमको रिकग्नाइज किया उसके लिए थैंक यू, हम उस पर्सन से मिले उसके लिए थैंक यू, मतलब उस लेवल तक का आज होना चाहिए ग्रैटिट्यूड मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस में। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का मतलब ही होता है कि लगातार जो होता रहता है कॉन्सेंट्रेटेड वे में, मतलब पूरा सैचुरेटेड है मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड के साथ, उसको बोलते हैं। उसके बाद जो आपके एक्सपीरियंसेस आज पूरे दिन भर में होंगे वो आप जरूर से शेयर करना, बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली एनकरेजेस अस। इट इज नॉट ज्ञान विच इज रिटन एवरीवेयर एल्स। हाँ, अगर कोई चीज उसको साथ में ऑथेंटिकेट कर रही है या उसको प्रूव कर रही है कि जो भी चीज है, आप प्लीज उसको शेयर करो, ठीक है। इसीलिए कल रितु मुझे बता रही थी कि उन्होंने वो बसंत वाली, वो लोहड़ी वाली पोयम भेजी थी। मैं तो पढ़ ही नहीं पाई थी क्योंकि फिर से इतने सारे पोस्ट आने लग गए हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पाई थी उसको, ठीक है। बहुत सारे ज्ञान वाली चीजें आती है, बट देन आप लोग प्लीज इन बुक्स को प्रैक्टिस करके इनके साथ जो आउटकम हो रहा है उसको शेयर करो। वो इज समथिंग दैट देन वी, बिकॉज आई जस्ट मिस आउट ऑन सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन आई टोल्ड हर दैट Ritu, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू प्लीज सेंड मी ऑन अ प्राइवेट चैट इफ यू वांट टू सेंड मी एनीथिंग, and you know that is where I managed to read it, because again the group gets so cluttered, okay? So but then please share your experiences related to magic morning. I would wait for you to share it. इसका मतलब है हमने diligently practice ये वाली करी है और फिर हमने इसका outcome देखा है, because magic morning की एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो आपको success और victory की आदत पड़ जाती है, and that's how beautiful it is. And get used to success and victory. We want all of us to get so used to success and victory that any challenge comes and we know that, oh, this is what I need to do. I mean, I just need to shift my energy, and that is all that's required. Okay, so that's what the magic morning practice is. So इसमें लिखा हुआ है कि जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना, हम हमेशा देखते हैं कि सुबह कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उस दिन पूरा दिन स्पाइरल डाउन हो जाता है ना, बिकॉज ये वाली जो अगर सुबह की एनर्जी हमारी जब गड़बड़ होती है, जैसे अगर हम परेशानी में उठते हैं या कुछ दिमाग में चल रहा होता है, इमीजिएटली वर्क एट शिफ्टिंग द एनर्जी करना पड़ेगा। या तो वॉक करो, मैजिक फुटस्टेप्स करो, होपोनोपोनो करो, थैंक यू यूनिवर्स लिखो, 100 times लिखो, जितनी बार भी लिखना है। एनर्जी शिफ्ट करनी मैंडेटरी है, तभी हमारा नेक्स्ट मोमेंट और उसके बाद वाला उस तरह से आएगा। नहीं तो हम बहुत देखते हैं ऐसे कि आज सुबह गड़बड़ हुआ ना, आज तो मेरा सुबह से दिन ही खराब था। दिस इज हाउ पीपल से, आज को तो दिन ही, वो दिन इसीलिए ऐसे था बिकॉज वो सुबह से खराब होना शुरू हुआ था, क्योंकि सुबह से एनर्जी नेगेटिव थी। तो अपने आप जो नेक्स्ट मोमेंट है, इसीलिए कहते हैं कि डेस्टिनी हम क्रिएट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट मोमेंट हम इस मोमेंट से क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई वी से द पावर इज इन द नाउ, सो द पावर हैज टू बी इन द नाउ। Okay, this moment, what are you thinking? What thoughts, words, and actions have you taken at this moment of time will decide your next moment. So your bachpan wala horoscope does not work. It does not work like that. It is only the power of now. इतने लोगों ने power of now के बारे में बोला है, that power सिर्फ अभी में है। इसीलिए अभी अगर आप ये सोच रहे हो, वाओ माय डे इज गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल, थैंक यू यूनिवर्स दैट आज स्टडी से मैंने कुछ नया सीखा, अच्छा सीखा, थैंक यू यूनिवर्स दैट मैंने आज ये डिटर्मिनेशन लिया, थैंक यू यूनिवर्स दैट मेरा जिम वर्कआउट इतना इफेक्टिव था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज फीलिंग सो गुड आफ्टर डूइंग इट, थैंक यू यूनिवर्स दैट माई वॉक वॉज सो अमेजिंग, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई इंजॉयड माई डे ऑफ विंटर येट अगेन विच वॉज सो नाइस, थैंक यू यूनिवर्स दैट द सनशाइन वॉज लुकिंग सो गुड टूडे इन द विंटर मॉर्निंग, thank you universe to every equipment machine that I touched and used in the gym, thank you to the amazing set of trainers who worked so hard for me only because of me, and like whatever, fir uske aage thank you that my drive to work was so amazing, thank you so much, and all of that. And we have to continue doing this till the time we don't dress up and go. apne joote ke liye, apne chappal ke liye jo aap ghar mein loafers ya jo bhi pehnte ho, apne socks jo aapne pehne hue hain, to the road that you're walking on, to the trees that you see on the way, to the beautiful sunlit day that you see, to the beautiful colors of the flowers जो आपको दिखते हैं, to all the झूलास and parks that you see जिसमें बच्चे खेलते हैं, to the grass parks that you see, to that track जिसपे आप वॉक करते हो, to the shawl जो आपने ओढ़ रखी है, to the utensil जिसमें आप अपनी चाय, कॉफी या दूध या जो भी आप पीते हो, पानी, to that microwave, kitchen, RO system, water tap, like all the utensils जिसमें cooking होती है, जिसमें serving होती है, spoons, refrigerator, everything we need to be grateful for in this concentrated, because और इसमें कुछ अलग से तो करना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, है ना। तो ये बहुत मर्ज्ड है हमारी सारी चीजों में. जैसे अभी बैठी हो, थैंक यू फॉर द सोफा, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल येलो कलर्ड वेलवेट सोफा, थैंक यू फॉर द कुशन बिहाइंड मी दैट ऑलवेज कुशंस मी एंड मेक्स मी सिट कंफर्टेबली, थैंक यू टू दिस ब्यूटिफुल टेबल इन फ्रंट ऑफ मी विच इज होल्डिंग माई लैपटॉप, थैंक यू टू द फोन हियर दैट विच इज हियर वेयर विच आई यूज सी द टाइम, थैंक यू सो मच टू यू नो दैट आई एम यूजिंग द वाईफाई ऑफ द फोन बिकॉज आपको पता है अभी मेरे घर का वाईफाई चला गया था. So, you know, I'm using the phone 5G to run the, you know, show, and that way to the laptop and to my organization that gives me time enough that I can do this, to all my senses and my mind, which is deciphering the information, you know, to the room, to electricity. So, ये इस तरह का है. मतलब already जो हम करते जा रहे हैं, इसके बाद जब मैं शूज ऑफ कोर्स इमीडिएटली आफ्टर द सेशन में शूज पहनूंगी, तो उन शूज के लिए जो इतने ब्यूटीफुल रनर्स हैं, यू नो दैट मेक्स मी रन एंड आई नेवर फील टायर्ड, यू नो, बिकॉज वो रनिंग के लिए यू नो शूज अलग और वॉकिंग के लिए अलग होते हैं. सिंस मैं प्रोफेशनली एथलेटिक्स में हूँ तो मुझे उसके लिए अलग अलग जूते चाहिए होते हैं, यू नो, आई कैन वॉक विद रनिंग शूज एंड आई कैन रन लाइक प्रोफेशनली. जब मैं रन करती हूँ तो उसमें रनर्स ही चाहिए होते हैं. सो हर तरह के अलग अलग सेट ऑफ शूज हैं, उन सब के लिए थैंक यू, यू नो, सो मच टू द सॉक्स एंड टू द शू क्लोसेट जो है उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कि इतने अच्छे से वो सारे शूज को होल्ड करके यू नो क्लोसेट रखता है, यू नो, टू द ब्यूटिफुल लिफ्ट दैट वी ऑल यूज इन आवर हाउसेस इन केस हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट है. सो ऑल ऑफ दैट, यू नो, तो इस तरह जैसे से करते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेटिट्यूड आता जा रहा है. फिर लिफ्ट के बटन के लिए थैंक यू, उसके बाद आप नीचे जाओगे टू द, यू नो, आई डोंट नो व्हाटएवर दैट रोप दैट पुट्स द लिफ्ट डाउन, आप उसके लिए थैंक यू, यू नो, व्हेन यू गो आउट ऑन द रोड के लिए थैंक यू, उन स्टेयरकेस के लिए थैंक यू जिससे आप उतरोगे या जो भी अभी कभी भी ऐसा है तो. सो यू नो लाइक फॉर दीज लिटिल, तो आज वाली प्रैक्टिसेस जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे थैंक यू करते जाना, क्योंकि सबका अलग अलग होता है. ठीक है, सम पीपल मस्ट बी मेकिंग टिफिन लंचेस फॉर देयर चिल्ड्रन, तो उस खाने के लिए थैंक यू, टिफिन के बॉक्स के लिए थैंक यू, उस खाने को फ्रेश रखने के लिए थैंक यू, यू नो, जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए, तो हम सबका अलग अलग है. जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम थैंक यू बोलते जा रहे हैं, जो जो दिखता जा रहा है, जो यूज कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलते जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह से आगे 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 करते रहना है और ये 9-10 बजे तक चलेगा, जब तक आप फाइनली शूज टाई करके बाहर ही निकल जाते घर से और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो. तो जब आपका वर्क डे शुरू हो जाता है उसके बाद ये प्रैक्टिस बंद हो जाती है, लेकिन इस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का इफेक्ट चलता रहेगा. सुबह के टाइम जो करते हैं उसकी पावर 10,000 गुना ज्यादा होती है. ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डे. ऑलवेज रिमेंबर इट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द मिरेकल लाइज इन द मॉर्निंग and there is so much of a thing in the morning. इसीलिए प्रभात फेरी गुरुद्वारे में सुबह स्पेशली लोग जाते हैं ना देखने के लिए सीरीज. सो उस तरह से दैट्स व्हाट दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट. तो हम कोई भी नेगेटिव चीज को आज सुबह अपने दिमाग में नहीं आने देंगे. ठीक है, आएगी भी तो हम इमिजिएटली एनर्जी को शिफ्ट करेंगे अपनी. सो इस तरह से दैट इज व्हाट. सो इट सेज मेक टुडे एज गुड एज इट कैन बी बाय प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड एंड पुटिंग द मैजिक इनटू योर मॉर्निंग रूटीन. ओके, सो प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, बीच बीच में भूल रहे हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लगातार, अगर बात भी किसी से की है तब भी उस बात के लिए भी थैंक यू हो रहा है ना. एंड पुटिंग द मैजिक इनटू योर मॉर्निंग रूटीन, एंड दैट इज व्हाट. बस हमको यही करना है आज सुबह पूरे दिन. छोटी छोटी चीजें रॉन्डा बर्न बहुत अच्छे से समझाती हैं, इसमें बच्चों की तरह समझाती हैं हमको. सो रोज सुबह हम काउंट माई ब्लेसिंग्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली आज काउंट माई ब्लेसिंग के पहले हमारा मैजिक मॉर्निंग शुरू हो गया था. काउंट माई ब्लेसिंग तो हम तब करेंगे ना जब उठेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लेंगे, पेन उठाएंगे, फिर लाइट जलाएंगे. बट मैजिक मॉर्निंग तो सुबह शुरू हो गया था बेड में. थैंक यू फॉर द बेड, थैंक यू फॉर द क्विल, थैंक यू फॉर द मैट्रेस, थैंक यू फॉर द पिलो, थैंक यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू फॉर दिस रूम, थैंक यू टू ऑल माई डोर्स एंड विंडोज, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल टेबल ऑन माई साइड और वट एवर. देन वेन यू गेट अप तो आप पैर नीचे रखोगे. थैंक यू फॉर द मदर अर्थ, यू नो, अपने ऊपर पैर रखने देती हैं हमको. सो उसके बाद चप्पल पहनना, थैंक यू फॉर माय फुटवेयर, देन वट एवर. देन इतने सारे वूलन्स हम सुबह उठ के फिर पहनते हैं, तो थैंक यू फॉर माय स्वेटर्स, थैंक यू फॉर माय जैकेट्स, थैंक यू फॉर ऑल माय स्टोल्स, माय कैप, माय ग्लव्स, सॉक्स, वट एवर. इस तरह करते जाना है, करते जाना है. तो इस तरह कॉन्सेंट्रेटेड चल रहा है. अगर अभी सुबह का आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, जब आप वॉक कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तब भी आप ये गो बैक इनटू दैट मेमोरी कि आप अभी बेड में ही हो, तो उस वक्त उठ के आप क्या क्या चीजों को थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है, दोबारा से, मतलब वो अभी भी सोच के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी कॉन्सेंट्रेटेड वे में करते रहना है हमको. और इट सेज फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज अंटिल यू फिनिश गेटिंग रेडी से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू इन योर माइंड फॉर एवरीथिंग यू टच एंड यूज. उसके बाद आ रहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो रोज सबसे पहले आता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, उनको री रीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना. एंड फिर रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, से थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द डे एंड पिक आउट द बेस्ट वन, एंड दिस हैज अ पावर इन इट. ओके, ये जो प्रैक्टिसेस जिस तरह से बताया है, सो दिस हैज सो मच ऑफ अ पावर दैट आपका जो भी अनरिजॉल्व इशू आपकी जिंदगी में है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, अगर इस लेवल की प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड आने लग जाती है तो. ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके लाइकिंग के हिसाब से नहीं हो रही है, उसका एक हायर रीजन होता है. सो वो यूनिवर्स को पता होता है, हमको थोड़ा बाद में वो पता लग जाता है. तो उस वक्त आपका क्या कंडक्ट है ये डिसाइड करता है कि आप विक्टर हो कि आप कावर्ड हो. ठीक है, जब भी कोई भी ऐसा मोमेंट जब आता है जब आपको लगता है कि नहीं ये मेरे हिसाब से नहीं है, आई डोंट लाइक इट, तो उस वक्त आप क्या करते हो, आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट और आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है क्रूशियल मोमेंट्स पे. बहुत सारे ऐसे आते हैं, है ना, तो हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कोई ऐसी चीज कर दी और वट एवर इट इज, यू नो, लाइक छोटी छोटी चीजें होती हैं घर में, या फिर ऑफिस जाते हो वहां पे कभी नेबर के साथ कुछ हो गया जो आपको बहुत इरिटेट करती है जैसे, है ना. उस वक्त हमारा क्या कंडक्ट है, ये प्रैक्टिसेस उस वक्त डिसाइसिव हो जाती हैं आपकी जिंदगी के आउटकम के लिए. इसीलिए जब वो मोमेंट्स आते हैं व्हेन यू आर नॉट दैट ग्रेट मेंटली इमोशनली, सो उस वक्त अपना कंडक्ट में ग्रेटिट्यूड रखने की कोशिश करना अगर आपको बहुत जल्दी विक्ट्रीज चाहिए अपनी जिंदगी में तो. ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट्स फ्रॉम दिस बुक. नाउ वी गो टू द हीरो बुक. So next book for people who are attending for the first time, we are reading the book Hero. This is also written by Rhonda Byrne, the same author. बहुत कम ऐसा होता है कि हम same author की 2 किताबें पढ़ रहे होते हैं, और ये भी बस खत्म ही होने वाली है. And then इसके बाद हम बहुत ही psychedelic किताब शुरू करेंगे, which is जिसमें बहुत ही life का game changer book होने वाली है. So अभी हम इन सारे bigwigs जो है रैग्स टू रिचेस स्टोरीज, जो ब्रांड्स हैं, कैसे ये लोग बने, इन 12 लोगों की ऑटोबायोग्राफी हमने इसमें पढ़ी है, और बहुत डिटेल्ड ऑटोबायोग्राफी में उनकी जिंदगी, इसमें उन्होंने छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया है कि कैसे वो मुंह के बल गिरे कभी कभी बहुत बार, और किस तरह वो उठे, और फिर उन्होंने क्या किया, और इवेंचुअली ये सब ब्रांड्स बन गए. तो इनकी सक्सेस स्टोरी में से अगर हम जूस एक्सट्रैक्ट करके अपनी जिंदगी में डालें तो we will see that, you know, our life starts shining the way we want it to be. Okay, so we continue to read this. So yeah, Shivani, you are pitching in today. Yeah, thank you. Good morning. Yeah, good morning. Anastasia Soar. The bigger the dream, of course, the bigger the money is. Any dream has to have a financial reward. When success comes most likely, you will find yourself standing in a place where, perhaps for the first time in your life, you can buy things you've always wanted to buy, you can travel to places you've always wanted to go, and you can do things you've always wanted to do. Along with that, you have the incredible opportunity to be able to share your success with family and friends so that their lives can improve too. Yeah, so this is, so actually ये reward होता है, financial freedom जिसको बोलते हैं. ये हमारी constantly prayer and endeavor होना चाहिए to be financially free, जिसमें हमको बहुत सारा सोचना नहीं पड़े जब हमको पैसा खर्च करना है किसी को खुशी लाने के लिए. Like if I have to throw a party or buy a gift for someone, you know, like I should just be able to do it, you know, because मुझे पता है कि इससे सबको खुशी आ रही है. So, of course, this is what Anastasia Soar says. The bigger the dream, of course, the bigger the money is. Any dream has to have a financial reward. And I love reading these lines. जब success आती है हमारे पास तो हम finally अपने आप को उस जगह पे महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं जहाँ पहली बार जिंदगी में आप वो सारी चीजें खरीद पाते हो that you always wanted to buy. इसीलिए मैंने उस कमेंट पे किसी ने ग्रुप में जब वो डाले थे तो मैंने उस पे इट वाज नॉट इवन वैलिड यू नो लाइक व्हाट एवर वाज रिटन ऑफ कोर्स बाकी सब तो पता ही है दैट यू नो दैट वांट्स नहीं होनी चाहिए जिंदगी में उस तरह की जिंदगी. नो प्लीज गो हेड एंड एंजॉय द लग्जरीज. सो वो सब हैं आप ही के लिए हैं. बेस्ट ऑफ ब्रांड्स खरीदने जरूर खरीदिए, वो आप ही के लिए है. ठीक है तो सब एंजॉय करो. कैसे इकोनॉमी चलेगी अगर हम बहुत ज्यादा वैसे हो जाएंगे दैट ओ आई डोंट नीड एनीबडी, दो कपड़ों में मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ. हाँ वैसे विचार होने चाहिए दैट यू आर अ वेरी सिंपल हम्बल पर्सन. ठीक है लेकिन वाई दो कपड़ों में जिंदगी बितानी है. ये दुनिया चलेगी कैसे जो इतने बड़े बड़े यू नो लाइक इतने फैक्ट्रीज हैं कपड़ों के, बैग्स के, शूज के, किचन अप्लायंसेस के, यू नो टॉयलेटरीज के. हाउ विल दे रन? दे आर ऑल मेंट फॉर अस. जिस दिन हम अगर ये हमारा माइंडसेट हो गया दैट हमारे तो दो कपड़ों में जिंदगी चली जाएगी, दैट मीन्स योर ग्रोथ हैज स्टॉप्ड. वो दो कपड़े आप किसी से मांग के भी पहन सकते हो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ना. तो पहले तो पोस्ट करने के पहले हम ये देख लें उसमें क्या लिखा हुआ है ना. सो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी वांट टू गिव टू यू. सो प्लीज चेंज द माइंडसेट एंड डू व्हाट एनेस्थीसिया सुआरे इज टेलिंग अस. Okay, so she says that reach that level of success in your life जहां पे आप वो सब कुछ खरीद पाओ जो आप हमेशा से चाहते थे. जब आप उन सारी जगहों पे ट्रैवल करो टू ऑल द प्लेसेस यू ऑलवेज वांटेड टू गो एंड यू कैन डू द थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू. आपको था मुझे ये करना है बट उसमें सपोज कोई कोर्स करना है लेकिन वो कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्या आप कर पा रहे हो या फिर किसी और कंट्री में जाके वो 2 वीक्स का कोर्स है, सपोज क्रैश कोर्स है और आपको वहां पे रह के करना है, तो इतने रिसोर्सेज हमारे पास हो जाने चाहिए कि आप उस कंट्री में जाके रहो 2 हफ्ते, आप अच्छी अकोमोडेशन अफोर्ड कर पाओ और आप उस कोर्स के भी पैसे भर पाओ और आने जाने का फ्लाइट का टिकट्स भी आप बहुत आराम से अफोर्ड कर पाओ. वो लेवल ऑफ सक्सेस लेनी है. तो ये लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दैट फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी होती है. So I am financially free. This has to be the constant auto suggestion that we need to do, right? और उसके साथ साथ हमारे thoughts, words and actions भी alignment में होने चाहिए, you know, because सिर्फ gratitude और love में ये power होती है जो financial freedom हमारी जिंदगी में लेके आ सकता है. जहाँ हम gratitude और love से गिरे, ठीक है, वहाँ पे पैसा जाना शुरू हो जाता है. इसीलिए कि बी इन ग्रेटिट्यूड एंड लव स्पेशली एट क्रूशल मोमेंट्स. जब वो मोमेंट्स होते हैं जब आप लो जा रहे हो उस वक्त आपका क्या कंडक्ट है, थॉट है, पैसा टिका रहेगा और ज्यादा आता रहेगा. दैट्स व्हाट इट सेज. एंड देन अलॉन्ग विद दैट इन्होंने बोला है यू हैव द इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू शेयर योर सक्सेस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट देयर लाइव्स कैन इम्प्रूव टू, है ना. इफ यू take all your friends out for a nice meal, for a drinks and dinner somewhere out. That's financial freedom. उनको भी तो joy मिल रहा है ना. तो और ये you know success बहुत infectious होती है. I mean automatically you'll be drawn and we will also be the people. All these people ये अपनी journey से जहाँ पे पहुँचे हैं ये बहुत integrity के साथ पहुँचे हैं. कोई झूठ पाट, all these things were not there in their life. You know बहुत सफलता, बहुत मतलब इनकी जो भी है, हम तो पहले चैप्टर से अभी तक पढ़ रहे हैं, बहुत इंटेग्रिटी ऑथेंटिसिटी के साथ में ये बने हैं जो भी बने हैं अपनी जिंदगी में. तो इनको ये बड़ा मजा आ रहा है कि आज ये बोल पा रहे हैं कि यू नो मेरे पास वो फाइनेंशियली फ्रीडम आ गई है दैट आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट टू. And this is a very good feeling. Ask me, you know, like I'm still in a process of growing, but I also follow Buddhism. तो मैं वहाँ पे उसमें experience share कर रही थी, तो वो बता रही थी कि you know my life today is exactly the kind of life I had dreamt of. You know, like that to be able to do the things I want to do, to be able to go wherever I want to do without thinking twice. To having different kind of freedom, like freedom from office also, no? To be able to travel personally, you need freedom from office, you need freedom, you know, to make your own decisions, to wear the kind of clothes you want, to be able to buy the things that you want to. All that thing is there today. So I, you know, like I'm living the life I had dreamt of for a very, very long time. So ye बहुत मजा आता है ऐसी जिंदगी जीने में. तो प्लीज कम टू दैट लेवल, यू नो, नेवर थिंक दैट क्यों ये सब कि सक्सेस से दिमाग खराब हो जाता है एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपने मेरिट पे सक्सेसफुल होते हो, दिस यू नो लाइक लाइफ लुक्स सो डिफरेंट, यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन एंड यू आर जस्ट लाइक वाओ, यू नो लाइक दैट फीलिंग। हाँ जी। Maston Kip, there are two things that have been extremely rewarding: being able to give back and having the resources to help other people. I finally am able to give at the level that I've always wanted to give. Yeah, this is such a beautiful thing, you know, because if you remember a few days ago when I mentioned that after having read Bible and Quran and, you know, all the religious scriptures of Hindus, sab ne ek hi cheez likhi hui hai, love, compassion and service. There's nothing except for that. Human life is meant for the other. So service, you have to serve in some way or the other. किसी भी तरह से, जो हम हमेशा बोलते हैं सेवा करो, दान करो, in whichever way, as I said. तन मन धन अन, आप कैसे भी सेवा कर सकते हो। ब्लेसिंग भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है, बिकॉज उस ब्लेसिंग की वजह से somebody else's you know life gets empowered or changed in whichever way you are praying, and that is what it is. So he says, मैस्टन के बोलते हैं कि दो चीजें तो बहुत ही रिवॉर्डिंग होती है कि नाउ यू आर एबल टू गिव बैक, है ना। अगर आपका काम उस लेवल तक बढ़ गया है जहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, कि मतलब किसी और को आपकी वजह से पैसा मिल रहा है, आपके पास अकाउंटेंट है, आपके पास कोई और है, लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनका भी तो घर चल रहा है आपके पैसे से। सो यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, उनका वो लाइवलीहुड हो जाता है ना। तो इस तरह से यू आर डेफिनेटली गिविंग बैक। प्लस बिजनेस, एक बिजनेस हमेशा दूसरे बिजनेस से कनेक्टेड होता है, इट्स नेवर वन। अगर ग्रोथ हो रही है ना, मतलब किसी की भी ग्रोथ हो रही है तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कनेक्टेड होता है, कभी भी ये नहीं होता दैट ओनली दिस बिजनेस। जैसे हाउसकीपिंग का बिजनेस है, सो सपोज किसी ने ऑफिस लिया, इवन इफ इट इज ऑन रेंट, उसमें हाउसकीपिंग एजेंसी आके काम कर रही है एंड दे आर क्लीनिंग द थिंग्स एंड डस्टिंग एंड एवरी डे, सो देयर एजेंसी इज ऑल्सो थ्राइविंग ऑन दिस वर्क ना। सो इस तरह ऑल ऑफ देम, इट्स ऑल इन वन एंड वन इज ऑल। सक्सेस इज नॉट दैट इट इज जस्ट कम टू वन पर्सन, Isn't it? अगर मेरी सक्सेस आएगी तो मेरे घर में और स्टाफ बढ़ेगा, you know, say I'll buy more cars or whichever way. So I'm also raising the economy of all the others around me, right? I mean, this is how it works. So we are all interrelated. So that is what it is. So in a way, we are able to give back. So that is what. So yesterday I had to, there's a small girl who goes to a school and I wanted to give her something for all the work. I did not think twice. I just gave her the money, like, you know, मैंने उसके father को एकदम से, मतलब उन लोग के पास जीपे वगैरह तो होता नहीं है, तो मैंने, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे पैसे दूँ, so I immediately told her that you give me your father's bank details and I ट्रांसफर्ड ऑफ द मनी विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, है ना। ये पावर आ जाती है आपके पास जब पैसा होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए वो बहुत स्मॉल अमाउंट था, बट उस पर्सन के लिए जिसके घर में 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह आती है, उनके घर में वो अमाउंट जो मैंने दिया वो बहुत बड़ा अमाउंट था। पता नहीं उनको कितना टाइम लगता उतना कमाने में, वो करने में, है ना। तो ये पावर, और ये बहुत गुड फीलिंग होती है, ये जिस फ्रीडम से हम ये कर पाते हैं, जो हमेशा से आप सब करना चाहते हो ये चीज, मुझे मालूम है, लेकिन कभी कभी पैसा गिनना पड़ता है। सो that freedom when it comes, when you don't have to think about it, that's really, really amazing. So yes, that's what he's written, having the resources to help other people. So that's beautiful. You have to see the smile, you know, on face of people like that. Like yesterday, my utensil dame did not turn up and, you know, so we had to ask. So Bharti is more like a housekeeper. She's high end. She doesn't do वो झाड़ू पोछा बर्तन kind of, मतलब emergency में भी नहीं करती है। सो वो, अगर वो नहीं, मैं कर देती हूँ, बट वो नहीं करती हैं। सो मतलब जब भी ऐसा कुछ होता है, एंड येस्टरडे सिंस आई हैड अ वेरी बिजी मॉर्निंग एंड समथिंग एंड देन आई वांटेड टू बेक अ केक माई सेल्फ फॉर इना मीना एंड टेक इट, यू नो लाइक ऑल ऑफ दैट। और मुझे सुबह ही जाना था उनसे मिलने के लिए, तो मेरे पास सुबह बिल्कुल टाइम नहीं था दैट आई डू द यूटेंसिल्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। सो भारती को वी जस्ट टोल्ड हर दैट, यू नो, यूल हैव टू डू दैट टुडे बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इट। And the moment, you know, like, तो दीपक ने कहा इसको इतने पैसे दे दे, हमने उतने पैसे दे, तो इधर हैप्पीनेस उसके चेहरे पे देखने वाली थी, you know, just to do that utensil we gave her a lot of money, which is 5 times the money of what we normally give it to the current person. Okay. And she was so happy. So it was nice that we had the resource to give that kind of a money to her. That does bring a lot of happiness, right? So being wealthy and using that money to bring happiness in a smile, किसी और के चेहरे पे जब स्माइल आती है तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है. मतलब वो तो जैसे हवा में उड़ रही थी as if like a butterfly, you know, that is how she was behaving. So देख के अच्छा लग रहा था उसको. So that's what he says, you know, Master Cape, that I'm finally able to give at the level I've always wanted to give. Yeah, like we all want to do more for the others, है ना? So, but अच्छा लगता है उस freedom के साथ में. हाँ जी. Liz Murray, the people I was struggling with when I was homeless are my family to this day. People I have known now for 16, 17 years. And when I had a little bit of money, I got so excited because I was able to create experiences for all of us. We started with our needs. We all went to the dentist. A couple of my friends needed rent and an apartment. We took care of the rent. My friend's dad had cancer and needed surgery. We were able to get him the surgery. I was able to have a roof over my head. Being able to take care of the people that I love, being able to contribute something and make people's lives better, brought me tremendous joy. That's been one of the most rewarding experiences in my life. I was born into quite humble beginnings, and while we didn't have much money, we had each other. I was very fortunate to have been brought up in an environment of safety and security, surrounded by the love of my family. My parents worked really hard all their lives, but they never had much money. When my father died, my mother was not only left without the love of her life, she was also left with little money, and she had no income. My father died before the success of The Secret, so he never got to see that dream materialize. But my mother did. She had spent her whole life barely making ends meet. And then after The Secret, all of that changed. I remember one particular day when my mother called me in tears. She'd gone into a store and purchased several items of clothing for herself. She was in tears because, for the first time in her life, she had purchased clothes without having to ask how much they cost. If you've been lucky enough to have a parent who has dedicated their life to your growth and well-being, then you will understand how I felt that day. Nothing I could ever give to my mother would equal what she had given to me in my life. Yeah, thank you so much, Shivani. We'll be able to read so much. Thank you. Thank you always for your beautiful voice. Yeah, so this is by Liz Murray. So we all know the story of Liz Murray that वो homeless थी. उनके सारे friends भी ऐसे ही वो लोग staircase पे ऐसे सोते थे रात को. And she didn't have money at all. और उसके बाद जब उनको पैसे आने लगे तो कैसे उन्होंने अपने पैसे से किसी और की मदद की. Friends, dad's cancer treatment or having a home or giving it to people, being able to contribute. उन लोगों का ध्यान रख के जिनको वो प्यार करती थी जो उनकी जिंदगी में थे और उन लोगों के लिए लाइफ बेटर करने के लिए उन्होंने पैसे दिए. तो इस तरह से वो कहती थी कि ये सब काम करके मुझे बहुत ज़्यादा जॉय मिलता था और ये मेरी ज़िंदगी के सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है कि किसी को जब पैसे की ज़रूरत थी और मैं दे पाई बिना सोचे. You know, so there was someone in our office who needed money in my office. So my colleague told me that, you know, this person had asked me previously also for money. तो मैम आप देख लो आप उसको पैसे दे तो रहे हो वो कभी पैसे वापस नहीं देता. So I said but मैंने तो वो सोच के दिए ही नहीं है कि मुझे वापस चाहिए. तो बिल्कुल चुप हो गई. Actually मैंने ये सोच के दिए ही नहीं थे. मैंने जब उसको दिए थे तो मैंने दिए थे पैसे. ठीक है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो पैसे मेरे पास वापस आएंगे और मैंने तो इतना ब्लेस करके दिए थे कि इस पर्सन को कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. उसकी एक छोटी बेटी अभी पैदा हुई है और आई थिंक कुछ हुआ होगा, देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन एंड दिस पर्सन नीडेड मनी. सो वो पैसे दे के जिस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, दैट इज रियली अमेजिंग. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टुडेज चैप्टर इज अबाउट दैट हमारी जिंदगी लोगों को सर्व करने के लिए है. तो जब हम अपने खर्चे डिसाइड कर लेते हैं ना, किस तरह से हमको अपनी लाइफ अच्छी करनी है और किस तरह हमारे पास उस तरह की फ्रीडम आए दैट वी कैन गिव मनी टू पीपल टू हुम इट मैटर्स, यू नो, जहाँ पे पैसे की जरूरत हो या किसी के लिए हम कुछ कर पाए, तो अपने आप पैसा आता जाता है क्योंकि ज़रूरतें वैसी होती है. तो इसीलिए इब्राहिम हिक्स की बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि अपना वाई हमेशा स्ट्रांग रखो कि क्यों आपको चाहिए. जैसे अगर आप पैसे मांग रहे हो तो उन्होंने अपनी बुक में ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आप जब अपने खर्चे तय कर लेते हो ना, दैट दिस इज माई एक्सपेंस, ये है. सपोज आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपके एक्सपेंसेस क्या है कि 2 लाख रुपए मैं सेव करूंगी, इतना आई विल गिव फॉर माई, यू नो, टू समवन हु नीड्स इट मोर देन अस, एंड दिस मच आई विल गिव फॉर, यू नो, माई चिल्ड्रंस फी, एंड दिस इज वॉट विल बी फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द हाउस और, यू नो, लाइक योर व्हीकल्स और वट एवर. सो इस तरह से जब आपका वाई स्ट्रांग हो जाता है तो अपने आप यूनिवर्स का टैप खुल जाता है उसके साथ में. एंड एक्चुअली इट रियली, यू नो, मैटर्स इन अ बिग वे. सो रोंडा बर्न फिर अपने बारे में बताती हैं कि किस तरह उनके फादर की जब डेथ हुई थी बिफोर द सीक्रेट मूवी रिलीज, तो उस वक्त उनकी मदर एकदम अकेली रह गई थी. पैसे इन लोगों के पास थे नहीं, लेकिन कह रही थी कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा के बड़ा किया था. सो यू नो, तो उसके बाद जब सीक्रेट मूवी रिलीज हुई इनके पास बहुत पैसे आ गए थे, रोंडा बर्न के पास. तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने लव्ड वंस की जिंदगी में इतनी प्रोस्पेरिटी वो लेके आई, मतलब सबकी, नॉट जस्ट लाइक हर डॉटर्स, हर सिस्टर्स, हर ब्रदर इन लॉज, सबकी जिंदगी में, क्योंकि वो सब सीक्रेट मूवी से एसोसिएटेड थे. दे वर देयर इन द रिसर्च टीम और, यू नो, इन सम वे और द अदर दे वर देयर, द होल फैमिली वाज देयर इन मेकिंग ऑफ दैट मूवी. और उसके बाद ऑब्वियसली सबके ही पॉकेट में पैसे आए बिकॉज बहुत सुपर सक्सेसफुल मूवी आज की तारीख में भी. इट इज नॉट जस्ट देन, यू नो, यूट्यूब ने भी उस बुक को, उस मूवी को खरीदा है बहुत पैसे में, और यूट्यूब लगातार उनको पैसे दे रहा है बिकॉज इट इज अ सुपर मोस्ट वॉच्ड, यू नो, वीडियो जो सीक्रेट मूवी है रोंडा बर्न की. सो सब लोगों के पास पैसे आए. तो कह रही है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी मदर एक बहुत ही प्लश स्टोर में गई अपने कपड़े कुछ खरीदने के लिए, उन्होंने बिना प्राइस टैग देके खरीदे. सो दैट वाज लाइक, शी सेड दैट आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट, यू नो, बिफोर आस्किंग फॉर द कॉस्ट, बिकॉज वो ऐसी थी नहीं. फिर उन्होंने बोला कि मैंने अपने पेरेंट्स को देना शुरू किया, मतलब माय मदर, यू नो, लाइक आई ओड दैट टू हर, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी ग्रोथ और वेलबींग में बिताया. ठीक है, सो अब शी सेज दैट वो मैं कितने भी पैसे उनको दे दूं या उनके लिए कितना भी कर लूँ वो मैच नहीं करता जिस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए किया. So yeah, this is what financial freedom is, and we all have to reach that level, and we shall, because it's not very difficult, है ना? So as long as you want to do that, so that's it. बाकी हम कल शुरू करेंगे पीटर पोयो के साथ में. Yeah, and thank you all for waking up early in the morning. In India, it's like really early, and even otherwise in most of the countries except US and Canada. So for, and शाम को भी लॉग इन करना बहुत मतलब चैलेंजिंग होता है बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू आफ्टर वर्क. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. एंड यस, रितु खन्ना, ओवर टू यू. सो वी हैव रितु's experience today. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग. अब मेरी शेयरिंग्स हैं, जैसे कि सबको पता ही है कि मेरे हेल्थ चैलेंजेस चल रहे थे. तो जो मेरी फर्स्ट एलेक्सिव थेरेपी हुई तो मैं बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लगा कि शायद अब मैं बचूंगी ही नहीं, बट ट्रीटमेंट का पार्ट था, जरूरी था. फिर मैंने सेकंड सेशन भी लिया, फिर अगेन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई. आपकी बात आधी समझ में ही नहीं आ रही होगी. मैजिक एलिक्सिर सेशन लिया, फिर ये हुआ, दैट इज कीमोथेरेपी. बहुत सारे लोग नए यहाँ पे कीमोथेरेपी. बट थर्ड सेशन से जस्ट एक दिन पहले मैंने दीप्ति मैम से बात की और उनको सब बताया. देन शी सेड कि डोंट कॉल इट कीमोथेरेपी, जस्ट कॉल एलेक्सर थेरेपी. और जब एलेक्सर थेरेपी हो रही हो तो एक एक ड्रॉप को ऐसे फील करना कि जैसे मैं अमृत छक रही हूँ. एंड आई डिड सेम फॉर ऑल द सेशंस. और अभी आप सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से लास्ट वीक जो है सारी कंप्लीट हो गए सेशंस, 8 सेशन थे. एंड आप सब देखो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ. और मैजिक इंग्रेडिएंट्स वाली प्रैक्टिस में मैंने की है. सब बोलते हैं कि इसमें वेट लॉस हो जाता है कैंसर में, बट हुआ मेरा इतना नहीं हुआ, 5 to 6 kg हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस कर रही थी। जब भी कुछ खा रही थी, पी रही थी, जितना मैक्सिमम मुझे याद रहता था मैं हमेशा वो ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करती थी उस पर, खाने पर अपने, और कि मैं जो कुछ भी खाती हूँ बिल्कुल हेल्दी खाती हूँ और यमी खाती हूँ। बहुत ज्यादा वो टेम्पटिंग होता है, और जिससे मेरा हेल्दी बॉडी वेट जो है वो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं एनर्जेटिक हूँ, पंक्चुअल हूँ, और मैं जो भी सोचती हूँ पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव सुनती हूँ और पॉजिटिव ही बोलती हूँ, और क्रिएटिव माइंड मेरा बहुत अच्छा होता जा रहा है। इस तरीके से मैं एफर्मेशन चेंज करती रहती थी खाने पीने से पहले। और जो है वाटर बोतल चार्ज वो भी किया मैंने, और धीरे धीरे प्रैक्टिसेस अपनी जो है मैंने बढ़ाई। और उसके बाद अभी तो मुझे खुद को लगता है, जो भी मुझे देखता है सब लोगों को लगता है कि एक करिश्मा ही हो रहा है तेरे साथ, जो इतना सब कुछ जो है तू एक्सेप्ट कर रही है, हंस रही है, बोल रही है, ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ ना जो रोंडा बर्न मैम ने इतनी अच्छी बुक लिख दी, और फिर उससे ज्यादा दीप्ति मैम को अच्छा भेज दिया हम सबकी लाइफ में कि चलो इनको बताओ, ये बच्चे को अक्ल नहीं है, समझाओ इनको कुछ। तो मेरे लिए तो वही चीज मुझे ऐसा लगती है कि, बट मैं थोड़ा वैसा वाला बच्चा हूँ जो थोड़ा ढीला पड़ता हूँ, तो कभी दीप्ति मैम मुझे पीटती हैं, कभी प्रिया दी, पूनम मैम, अनु, सब जो है ना ये मिलके मुझे ऐसे ठोकते हुए जाते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ, ठीक डाउन जाती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाती। और जब नहीं लिख पाती हूँ एफर्मेशंस तो फिर मैं रीडिंग्स वर्बली प्रैक्टिस करती हूँ उनकी। जैसे बीच में हुआ था, वो साइड इफेक्ट्स आते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल, बट मैंने अपने आप को हमेशा वो किया कि मैंने हॉस्पिटल्स में भी जो है सेशंस अटेंड किए हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस मैंने देखा है कि जितना मैंने ग्रेटिट्यूड दिया अपने बॉडी पार्ट्स को। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में पेन है तो आप हाथ को ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाओगे, बट बाकी बॉडी पार्ट्स को तो आप दे सकते हो ना। तो मैंने ऐसा भी किया है, हाथ को भी दिया है, बाकियों को भी बोला है, ऐसा किया। और मैंने देखा कि जेन्युइन में हमारे सेल्स जो है ना वो सुनते हैं। अगर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बोला कि थैंक यू फॉर माय डैशिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, डैशिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो डैशिंग होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मैंने कुछ कुछ, जैसे हमने बोला एडजेक्टिव्स वो कर दो एड ऑन, तो वो मैंने किया, और उसे वो वाकई में उनकी ना वो ब्यूटी एनहेंस होती जा रही है हर एक बॉडी पार्ट की, और मैं बहुत फील कर रही हूँ उनको बहुत अच्छे से। और अभी लास्ट टाइम मेरी वो भी थी, थोड़ी मनी को लेके शेयरिंग थी, मनी मैजिक भी हुआ मेरे साथ। प्री पोस्ट एक्सपेंसेस के लिए मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया इन अगस्त, और उससे थोड़े दिन पहले ना प्रियंका दी ने कुछ शेयर किया था कि उनका कुछ ऐसा था, और उन्होंने 11 days रेड पेन से लिखा, 11 टाइम लिखा। ऑल्दो मैंने इतना सारा नहीं लिखा था, बस मैंने बोला रेड पेन लिया और एक बार ही लिखा, और मैंने बोला भाई प्रियंका दी ने जैसे से लिखा था ना, श्याम सर ने जो शेयरिंग की थी, मेरा भी फटाफट अच्छे से हो जाना चाहिए। तो विदिन 1.5 months यस मेरे पास जो है वो आ गया था अमाउंट, तो आई वाज सो हैप्पी। और अभी मैंने 11 दिसंबर को दोबारा अप्लाई किया प्री एंड पोस्ट के लिए, और उसके बाद जो है मेरे पास जो मैसेज आया कि आपका जो है रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, दैट वाज ऑन 28 दिसंबर, 22 दिसंबर को मेरे पास मैसेज आया। और उसके बाद मैं वर्कली थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही थी मनी के लिए, और उसके फिर थोड़े दिन बाद जो है मैम का 555 बहुत ज्यादा चल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये प्रैक्टिस जो है यूज करनी चाहिए, कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ इसको, जब इतनी सारी मैम की शेयरिंग आ रही है और लोगों की शेयरिंग आ रही है। फिर मैंने जो है 6 जनवरी को ना एक ही दिन में बैठ के ना वो 555 की प्रैक्टिस की, 5 times 55 times लिखा, आई हैव रिसीव्ड सो एंड सो अमाउंट सिंगल डे। और उसके बाद जो है मैंने रात तक जब लिख लिया थोड़ा थोड़ा करके, फिर मैंने उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। 8 को मैं फिर हॉस्पिटलाइज थी, लास्ट सेशन था, तो उसके बाद जो है मैंने 4-5 दिन तो कुछ देखा ही नहीं क्या मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं। फिर एक दिन मैंने जब देखा अपना मोबाइल पे, वो जाके देखा बैंक की डिटेल्स, तो मैंने देखा 6 जनवरी को ही जो है सारा अमाउंट जो है मेरे पास जो है क्रेडिट हो चुका था। सबसे पहले मेरे पास 90 रुपीज का 2 जनवरी को क्रेडिट हुआ था, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा डैडी देखो मेरा ना 90 रुपीज क्रेडिट हो गया अकाउंट में। डैडी मुझे ऐसे देख रहे, कह रहे 90 रुपीज आए तो इतनी खुश क्यों हो रही है। मैं कहा डैडी दीप्ति मैम बोलती छोटे सा अमाउंट में तब भी बड़ा खुश हो रहा है, ये कहते हाँ ये बात तो सही है, जो आया अच्छा तो आया, मैंने कहा हाँ। उसके बाद 1800 आया, फिर मैंने प्रैक्टिस जब वो की तो मतलब मेरे 1000s में आना था टोटल अमाउंट, वो आ गया, मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने वर्बली थैंक यू बोल दिया 108 टाइम्स। फिर मेरे को था मुझे शेयरिंग करनी है बट वो नहीं हो पा रहा था, कभी ज्यादा शेयरिंग्स होती तो मैं फिर हैंड अपने डाउन कर लेती थी। फिर 16 जनवरी को मैम ने बोला हम जितना कुछ काम करने के लिए यूनिवर्स को बोलते हैं क्या हम उतना थैंक यू बोलते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं उतना तो नहीं बोला मैंने थैंक यू। फिर मैंने अगेन अपना रजिस्टर निकाला एफर्मेशंस वाला और फिर उसमें मैंने देखा, फिर मैंने सिंगल डे 16 जनवरी को वापस जो है 55x5 प्रैक्टिस की, वो 555 वाला एक ही दिन में करके। फिर मैंने वो थैंक यू बोला, थैंक यू टू गॉड आई हैव रिसीव्ड 100% अमाउंट। एक्चुअली मैं 100% अमाउंट मुझे मिला है। लोग बोलते हैं बहुत टाइम लगता है, नहीं आता, कम आता है, बट आई एम रियली 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 थैंकफुल टू गॉड एंड जितनी मैम स्पीचिंग्स और सारे के सारे ग्रुप वाले जो मुझे इतना सारा ना ब्लेसिंग देते हैं, लाड प्यार देते हैं, मतलब सबके लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी में सब चीजें सीखती हूँ। लाइक उस दिन जैसे ये मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए तो वो लगा कि हाँ मीना मैम ने जैसे उस दिन किए थे ना, तो फटाफट पॉइंट डाउन कर लूं। और जब वो खाने पीने की प्रैक्टिस होती है, फार्मर्स, रिटेलर्स और जो हमारी वो होती है एयर को हमको जब ग्रेजुएट करना होता है, वो जब भी मैं ये दो प्रैक्टिस कर रही होती हूँ मुझे हमेशा रीना मैम का जरूर ध्यान आता है। कुछ ना कुछ वर्ड जैसे सुनैना मैम ने बीच में किया था कुछ ना कुछ वर्ड, तो जैसे मुझे याद आता है मैं कुछ ना कुछ वर्ड जो है ना अपने अंदर वो डाल लेती हूँ। और स्पेशली बाथिंग के टाइम पे मैं उस वर्ड को अपने आप बोलती रहती हूँ। लाइक कल का बताती हूँ, कल का मैंने सोचा क्या बोलू, तो मैंने कहा आज मैं कुछ अलग बोलती हूँ, रोज इंग्लिश में बोलती हूँ, हिंदी में बोलती हूँ। तो दिमाग में आया मजे और मुझे, मैं यही बोलती गई। और देखो शाम को मैम के साथ बहुत देर मेरी बात हुई, मैम ने मुझे खुद से आई लव यू बोला तो मेरे तो मजे और मोजे दोनों ही हो गए। बस मेरी ये शेयरिंग थी। और यस यही थी। और एक हाँ, ये सब जब हुआ तो 17 जनवरी को मेरा अमेजोन से मैंने लास्ट मंथ कुछ लिया था, वो रह गया था, उसका रिटर्न का अमाउंट नहीं आया था। जैसे मैंने 16 को ये प्रैक्टिस की, 17 को मैंने कॉल किया अमेजोन में, तो ही सेड कि मैम अभी 1 वीक लगेगा, तो पूछा ओके ठीक है इट्स ओके। और फिर सेम डे ही वो अमाउंट जो है क्रेडिट हो गया मेरे अकाउंट में। तो आई वॉज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर सो नाइसली एंड ब्यूटिफुली एंड पॉइंट वाइज शेयरिंग। जैसे आपने कल शाम को मुझे बताया था कि मैं बहुत पॉइंट वाइज करके शेयर करूंगी, सो या आई मीन यू डिड दैट एंड विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। दैट बस रोज यही सोचो कि हर बॉडी का एक एक सेल डांस कर रहा है खुशियों के साथ, मजे और मौजे। ठीक है, तो मेक दैट योर कीवर्ड। और अगर आप उससे रेजोनेट करते हो तो बस इन शब्दों को डाल दो अपने दिमाग में, बॉडी में, तो बस सब ठीक हो जाएगा। अब तो ठीक हो ही गया है। सो या एक्चुअली रितु का ये जो एक्सपीरियंस जो बता रही हैं, जो कीमो का होता था, जैसे जो पहली बार कीमो हुई थी इनकी, दैट वाज वे बैक कब हुई थी, आई थिंक मेरे बर्थडे वाले मंथ में ना, 7 जुलाई। हाँ 7 जुलाई में, तो 7 जुलाई में हुई, जुलाई में पहली कीमो हुई थी। तो उसके बाद जब कीमो लेके आती थी तो इनका एक हफ्ता तो बिल्कुल ही बैंड बजा रहता था, है ना, रिमेम्बर। बिल्कुल बात भी नहीं कर पाती थी, मतलब शी कुडंट इवन टेक्स्ट। और पहली बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर उसके बाद इसको ना कीमो से डर लगने लग गया था कि मतलब फिर मैं जाऊंगी, फिर मुझे इतना टाइम रिकवरी के लिए ये सब वो सब। और मैंने तो कैंसर पे किताब लिखी हुई है, न्यूट्रिशन एंड कैंसर उसका नाम है। और उसमें ये मतलब जब सारी रिसर्चेस वगैरह कर रही थी, जब मैं लिख रही थी उस वक्त, जब मैं कैंसर पेशेंट से बात कर रही थी और उनसे, तो तब मुझे पता लगा था कि वो लोग बीमारी से नहीं डरते, वो कीमो से डरते हैं। ठीक है, सो इतनी ज़्यादा उनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और फिर ऋतु तो क्योंकि सेशंस में है और सब थी, तो तब मैंने ऋतु को बोला था कि जब तुम्हारी नेक्स्ट कीमो हो, अब तुमको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो कि अमृत बॉडी के अंदर जा रहा है। और एलिक्सिर का मतलब होता है ऐसा कोई मैजिकल पोशन विच वर्क्स लाइक अमृत, जो आपको अमर कर देता है ना। तो वो हील तो खैर करेगा ही, अगर कोई चीज़ अमर ही कर देगा। तो फिर इन्होंने अपने माइंडसेट में धीरे 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 वो डाला। उसके बाद लिटरली ऐसा होता था कि अगर ये कल कीमो करा के आई है तो आज टेक्स्ट कर देती थी कि ओ येस्टरडे आई वाज इन द हॉस्पिटल एडमिट, और एडमिट होने के पहले भी जैसे बैंड बाजे के साथ जाते हैं ना, इतना डिक्लेरेशन कर रहे हैं मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं वो उसके लिए तो अभी एक दिन मुझे वहां लगेगा, अगले दिन आके भी बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी, ऑल दो आपके हल्के फुल्के से बोलते होंगे। एंड देन आई सॉ दैट हर महीने इसका जो इम्पैक्ट ऑफ कीमो था वो एक्चुअली अमृत बनता गया, यू नो, बिकॉज वो बिल्कुल जाने के पहले भी बिल्कुल कोई वो जो होती है ना एक स्ट्रेस या कुछ, वो कुछ भी नहीं, बहुत आराम से जाती थी, बहुत आराम से अपने नेक्स्ट डे से आके यू नो कि हाँ मेरा कल कीमो था, फिर मैं से पूछती थी कि अच्छा अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि जिस जेस्ट से ये बात करती थी मुझे लगता था कि यू नो तो कहती थी कि हाँ हो गया मेरा परसों ही तो था। मैंने कहा माय गॉड इसकी ऐसी आवाज यू नो लाइक पहले इतना टाइम लगता था, तो वो बोल बोल के जब अपना माइंड में ये डाल लिया, जब ऑटो सजेशन ये होता था ना दैट मैं तो अमृत चखने जा रही हूँ, मैं तो मैजिक पोशन लिया, मैं तो एलेक्सर है, सो इस तरह कर करके वो मैजिक एलेक्सर आता गया और फाइनली इनका जनवरी में लास्ट था, क्योंकि ये वाला साल तो हम सबका बहुत अच्छा होना है, तो इस साल तो बस मजे और मौजे, खुशियाँ, गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और सब मनी मैग्नेट होंगे। और लेकिन वो ये तभी होंगे जब हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा था इस साल के लिए, जेन्युइनली, इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग यू। सो या इस तरह से सो लाइफ हैज़ टू गेट बेटर। एंड रितु आई मस्ट से दैट यू आर वेरी ब्रेव, और चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आप चाहे कल कीमो लेके आए हो, अगर आज कोई फेस्टिवल है तो आपने पोएम लिखी, आपने सारे बर्थडेज को एक्नॉलेज किया, आपने सारी बर्थडेज पे अपनी क्रिएशन की, तो दिमाग तो आपका बहुत तेज चल रहा था, बिकॉज एक कविता की रचना करने के लिए आपको बहुत शार्प ब्रेन और फोकस और कॉन्सेंट्रेशन और वो चाहिए होता है, उस तरह की एनर्जी। So you had it throughout, which was really amazing. I think इस साल सबसे ज़्यादा poems आपने लिखी हैं इस phase में, and it was so beautiful. I still can't forget the dance that you had done for me, 13 dances that you had done on my birthday. I'll show you sometime on a weekend. जिन लोगों ने नहीं देखा है, जब ऋतु के बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हैं originally, जो अभी grow होने already शुरू हो गए हैं, because मैं घर पे आई थी तभी मैंने देखा था कि उसके बाल आने शुरू हो गए। और जुलाई में लास्ट आई थिंक मेरे बर्थडे के बाद फिर आपको कटवाने पड़े थे बाल, सो यू नो लाइक सो दैट वाज, वील शो दैट डांस जो इसने किया था, दैट वाज आफ्टर टेकिंग द कीमो, दैट डांस दैट शी हैड डन ऑन माय बर्थडे, बिकॉज माय बर्थडे कम्स ऑन 13th, तो मैडम जी ने 13 डांसेस किए थे, बॉलीवुड के 13 डांसेस किए थे, और उसके इमिजिएटली बाद इनको बाल कटवाने पड़े थे। सो इतना सेलिब्रेशन किया, इतनी कविताएं लिखी, छोटे त्योहार बड़े त्योहार क्या ही होते हैं, मतलब मजा आ गया। सो आई थिंक दिस ईयर यू हैव रियली एंटरटेन्ड अस एंड मेड इट वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस, तो उस वो एनर्जी तो आपके बॉडी के अंदर चली रही है और वो एग्जर्ट करेगी अपना पावरफुल इम्पैक्ट एंड फोर्स, and there's so much to learn from you, so yeah, well done, well fought, very very courageous, amazing. Thank you ma'am, thank you so much ma'am. बस मैम ये बात फैक्ट है कि मैंने इस एक डेढ़ साल में जितनी पोएट्री की है ना बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है ना सबके लिए कुछ ना कुछ लिखने का। जो मैम के लिए मैंने डांस किया था बर्थडे पे, अरे वो है, उसका लिंक डाल देना आप YouTube पे, यू हैव टू सी हर डांस विद अ ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, जो इसके उससे भी सुंदर आने वाले हैं अभी। वो जेन्युइन में मेरी लास्ट अपने खुद के बालों के साथ लास्ट वो परफॉर्मेंस थी जो मैंने खूब एंजॉय किया था, उसमें मेरे बाल बिल्कुल मजे में थे। और बस मुझे एक रिग्रेट जरूर है कि मैं पूनम मैम के बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पाई, ये मुझे हमेशा माइंड में जरूर रहता है कि मैंने उनका बर्थडे स्पेशल नहीं कर पाई। वो डांस तुम पे उधार रहा। नहीं, आपको तो इतना मतलब शी रोट सच अ ब्यूटीफुल, क्या बात कर रहे रितु, आप कैसी बातें कर रहे हो, नहीं करने दो ना इसको डांस, नहीं करना है, वो डांस तुम पे उधार रहा। बोलो पूनम मैम, जितना मुझे करना था मैं नहीं कर पाई थी उस समय ना, पूनम मैम के लिए नहीं कर पाई, सूट समेत करवाएंगे इससे डांस, इट्स नेवर टू लेट बेब्स। यस मैम, बहुत करती हो रितु, तुम बहुत ज्यादा करती हो, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, बहुत ज्यादा करती रितु, इज वेरी कंपैशनेट, वेरी लविंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू मैम, कंबाइन कर देना, आज सोनिया मैडम का भी बर्थडे और आपकी पूनम मैम का था, तो अब अच्छा सा एक कंबाइन सॉन्ग धन धन आता हुआ है ना, दोनों हॉट लेडीज के लिए। ठीक है मैम, जिनका आज बर्थडे एनिवर्सरी है सबके लिए, सबके लिए। हाँ और क्या। और मैम अभी आज एक और रिक्वेस्ट है, आज जैसे कि सबकी धूम मची हुई आज पूरे वर्ल्ड में राम जी के नाम जी की, तो मैम उसके लिए मैंने छोटा सा एक करैक्टर को लेके लिखा है, अगर आप परमिशन दे तो मैम प्लीज मैं बोलूं। हाँ जी बिल्कुल, पढ़िए राम जी की। थैंक यू। तो मैंने उसमें से एक करैक्टर लिया रामायण में से, गिलहरी, राम जी की गिलहरी। पता है मैं कौन हूँ? मैं गिलहरी हूँ, राम जी की गिलहरी। हाँ जी मैं राम जी की गिलहरी ही हूँ। सब अपना योगदान दे रहे थे सीता मैया के पास पहुंचने के लिए, सब बना रहे थे रास्ता मैया के पास पहुंचने के लिए। मैया के पास जाने के लिए थे सब तत्पर, असंख्य सैनिक, भालू और वानर। मैं छोटी सी गिलहरी समुद्र के किनारे पर खड़ी सब देख रही थी। मैं कैसे क्या मदद करूं यही बस सोच रही थी। सब कितने विशाल थे, सब मुझसे बहुत विशाल थे, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, अपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ करना चाहती थी। देखो भला, मेरे तो नाम में ही प्रभु का नाम है हरि, तो मैं तो कैसे पीछे रह जाती। मैं गिलहरी। मैंने देखा कि सब पत्थरों को अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर लद रहे हैं, सब राम सेतु बनाने के लिए पत्थरों को समुद्र के ऊपर रख रहे हैं। राम नाम पत्थरों पर लिखकर दीर्घकाय सेना पत्थर डाल रही थी समुद्र पर। मैंने भी तब मुंह में उठाए, अपने दांतों में फंसाए छोटे छोटे कुछ कंकड़, कुछ पत्थर। समुद्र से दूर हो जा, एक वानर बोला तभी, पत्थरों के नीचे दब ना जाए तू कभी। लेकिन मैं तब भी कंकड़ पत्थर लेकर इधर उधर भाग रही थी, पत्थरों को लेकर कूद रही थी, रास्ता फांद रही थी। और अब सब मेरा मजाक बना रहे थे, भालू, वानर, सेना, मनुष्य सभी मेरा उपहास बना रहे थे। तभी राम जी वहां आ गए और सेना को समझाने लगे। राम जी ने दिखाया कि जिन छोटे छोटे कंकड़ों, पत्थरों को मैंने समुद्र में था फेंका, उन्हीं ने बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे से था जोड़ा। प्रभु बोले, जो फेंकती ना ये नन्ही गिलहरी, ये सारे कंकड़ पत्थर, तो बड़े बड़े ये पत्थर सारे इधर उधर जाते बिखर। तभी प्रभु श्री राम की प्रेम भरी नजर मुझ पर गई और मैं कितनी छोटी सी गिलहरी उनकी नजर में चढ़ गई। राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं एक नन्ही सी कली थी, बन गई चमन की माली। उन्होंने मुझे अपने कोमल हाथों से उठाया, मेरी पीठ को सहलाया। उनकी नरम उंगलियां जब मेरी पीठ पर चली, तभी मेरी पीठ पर रेखाएं 3 खिंच गई। वो 3 रेखाएं श्री राम, लक्ष्मण, सीता की है प्रतीक, मुझ नन्ही गिलहरी की अल्प सहायता की जीत। सदियों से वो रेखाएं मेरी पीठ पर हैं कायम, प्रभु की सेवा के लिए मैं बार बार लूंगी जन्म। आज पूरा ब्रह्मांड है राममय, उनकी छवि ही है बस सबसे रमणीय। राम नाम का लेकर सहारा, हर कोई करना चाहता है किनारा। जिस घड़ी अपने कमल नैनों से प्रभु ने मुझे था लिया निहार, उसी समय, उसी क्षण मेरी कुलों का प्रभु ने कर दिया था उद्धार। मैं पहले यहाँ वहां शैतानी शरारतें थी करती, परंतु अब बन गई थी समझदार व धैर्यशील गिलहरी। प्रभु ने माना मेरा भी श्रमदान, प्रभु ने माना मेरा भी योगदान। उनकी दया मुझ पर इस तरह हुई कि मैं बन गई राम जी की प्रिय गिलहरी। आज मैं बहुत 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 आनंद में हूँ, क्योंकि मेरे राम लला आ रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। चैन की, सुख की, हर कोई यहाँ है सांस ले रहा। कितना सुंदर सजने वाला है अयोध्या। दीप जले थे तब 14 वर्षों के बाद, इस बार कभी नजारा सब रखेंगे याद। दीप जलेंगे हर एक मुंडेर पर, दीप जलेंगे समस्त ब्रह्मांड के मुंडेर पर। और उन्हीं मुंडेरों पर चढ़ चढ़ कर मैं गिलहरी भी दूंगी उन्हें बधाई। यह मंगल बेला मेरे लिए भी सुखिया लेके आई। प्रभु का होने लगा है आगमन, सब तरफ हर तरफ हर्षो उल्लास में झूम रहा है मन। अब नहीं करना मुझे विश्राम, इस कार्य में भी जाके करना है मुझे ढेर सारा काम। और प्रभु के प्यारे हाथों में एक बार फिर से मुझे जाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनकी शाबाशी देते हुए मेरी पीठ को थपथपाना। कुछ नन्ही सी गिलहरी को प्रभु ने कितना पावन कर दिया। प्रभु की इस उपकार का मेरे अंतर मन से शुक्रिया। तो आइए सब मिलकर करें आज यह सर्वोत्तम काम, जपते रहें बस श्री राम 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 श्री राम। बस इसी नन्ही गिलहरी की तरह ना मैम, मैं आपके लिए अपने हमारे जितने भी मैजिक ग्रुप्स हैं सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप बट अभी प्रॉपर समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको सबको मैंने बस इतना ही कहना, आप सब ने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए मेरी आत्मा से शुक्रिया 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 शुक्रिया। आइडियाज और इतना मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर बोला है रितु। जय प्याराम रितु, जय श्री राम रितु। इट्स सो नाइस। आज तो दिवाली है, भाव के साथ में इतने इमोशंस के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, इतने सुंदर से और इतनी लंबी कविता। एंड आई कुड सी हर मैम, ये गिलहरी कोई और नहीं थी। अमेजिंग। हाँ यस, इनक्रेडिबल है ना, वर्ल्ड क्लास पोएम थी ना ये वाली। यस मैम, यस, ये तो मैम प्रिंट होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत तुम्हारा। अब तुम ये इसको किसी तरह बस ये यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स को ना कमांड दे दो, कहते हैं ना कमांड सक्सेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो तुम कमांड दे दो कि तुमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले वर्ल्ड क्लास लिटरली, ताकि तुम्हारी ये जो जितनी क्रिएटिविटी है ना ये ग्लोबली पहुंचे हर जगह। You know, this is amazing. I think every person on this planet Earth who understands Hindi, you know, like needs to come across this kind of an art. Yeah. मैम आपने बोल दिया, अब हो जाएगा। बस वो नूतन बोलती है ना सिर्फ, मैम आपने बोल दिया बस हो जाएगा। मैं बस को ही बोल रही थी, मैं तुमको नहीं बोल रही थी। मैं यहाँ पे बहुत सारे डिक्लेरेशन, स्क्रिप्टिंग सब कर देती हूँ बातों में, फिर ऑप्शन नहीं रहता यूनिवर्स के पास नहीं करने के लिए। कैसे नहीं करेंगे? yes, वो राम जी देंगे, राम जी कराएंगे। हाँ बस राम जी, आपने देख लिया आपकी प्रेजेंस जहाँ हुई है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। बहुत सारा अटेंशन गया है राम जी के पास। राम जी ऊपर खड़े होकर स्माइल कर रहे हैं। योर पोएम यू मस्ट सेंड इट टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। है ना, let's do that, ये website, हाँ इनका just go on that, you know, somehow it will reach and this is like incredible. He has an Insta account also, just Insta and Twitter, I think both the PMO accesses, आज सारी गिलहरियां भी बहुत खुश होंगी। इसके बारे में हमने सोचा। So much praises for Gilheris. The thought of Gilheri coming into Ritu's mind is overwhelming. Imagine. मतलब कितना सुंदर बोला उन्होंने, जो 3 लाइनें हैं, वो 3 लाइनें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की है। वाओ, वेरी नाइस। मैंने ये कंटेंट लिया है गूगल से, कुछ कुछ मुझे पता था, मेरी मम्मी ने बताया था, कुछ कुछ फिर मैंने गूगल से लिया। और मतलब मैं ये पोएम बहुत सालों से लिखना चाहती थी। मैंने कई साल पहले एक पोएम पढ़ी थी कि रामचंद्र जी का नाम चंद्र साथ में क्यों ऐड ऑन हुआ। चंद्रमा ने उनको बोला था कि मैंने भी आपकी इतनी मदद की है, आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया, आपने सबको प्रेज किया, अप्रिशिएट किया, मेरा नहीं किया। तो वो पोएम बड़ी अच्छी पढ़ी थी मैंने, और तब से मेरा कई सालों से मन था गिलहरी को लेके लिखने का, बट नहीं वो लिख पाई क्योंकि मुझे ये पोएम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़नी थी। कितने सालों से लिखना चाह रही थी और अब यूज हुई है वो पोएम, अब मैं लिख पाई हूँ। मतलब ये प्लेटफॉर्म है ना, ये मुझे बहुत प्यार देता है, बहुत प्यार देता है। और फिर वो लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक ना, तो इसलिए फिर वो बढ़ता चला जा रहा है मेरा भी। तो मतलब मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगी, मुझे एप्रिसिएट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ग्रुप वाले, उनसे मैं इतना ज्यादा वो, अभी तो मैं प्रॉपर नहीं ले पा रही सेशन, बट कभी कभी मैं तीनों सेशन भी ले लेती हूँ तो बहुत मजा आता है मुझे। वो इतना ज्यादा आता है ना, सबका सबकी शेयरिंग सुन सुन के वो बच्चे इतना ज्यादा मैजिक ट्विस्ट करते हैं ना। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो हमेशा वो रात को जो हमारे डॉगीज होते हैं वो उनका रियाज का टाइम होता है एक्चुअली, कि अब हम अपना रियाज करेंगे। दिन में आप लोग इंसान बोलते हो, हम बोलेंगे। तो अब मैं उनपे भी बहुत सारा मैजिक ट्विस्ट करती हूँ। क्या मुझे, मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे प्लीज थोड़ा सा करने दीजिए। तो ऐसा वो बच्चे बहुत करते हैं डॉगीज पे, बर्ड्स पे। तो उनसे मैं ये चीज सीख रही हूँ कि कितना वो मैजिकली करते हैं। तुम मतलब थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड प्लीज अब आज पीएम मोदी जी के इंस्टा अकाउंट पे आप ये पोएम डाल दीजिएगा उनके लिए। जस्ट डू दैट। यस यस। आई मीन इट शुड कम टू द वर्ल्ड। Everyone who understands Hindi all over, you know, should be able to access this poem. Yes, okay? Yes, sure. Beautiful, and thank you so much. मतलब मुझे उस वक्त लेट हो रहा था, लेकिन मुझे टाइम का ट्रैक ही नहीं रहा है। तुम्हारा शेयरिंग और फिर तुम्हारी बहुत ही मतलब क्रिएटिव कविता. This is incredible. Again, you've given so much meaning to this event. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. This is all right. So thank you. And thank you, Ritu. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ritu. Thank you, ma'am. Thank you. See you all again tomorrow. Have a beautiful day. आज आधे दिन की छुट्टी है, आधा कुछ है। आज तो एक्चुअली मैजिकल मॉर्निंग हो गई है। जितने भी सेलिब्रेशन, आज तो बहुत मैजिकल मॉर्निंग हो गई है। सबकी एनर्जी चल रही है। हम लोग के लिए मौजे हो गया, मौजे ही मौजा, मजा और मौजे, क्या था मौजे और मजा। यस। और आज हर एक मंदिर में मैम सेलिब्रेशन है। हाँ, तो आज वैसे भी बहुत हाई एनर्जी है। तो हमारे सो वी लिव इन एन अपार्टमेंट्स जिसमें अलग अलग वो ऐसे कॉन्डो बने हुए हैं। सो हमारे जो मतलब अपार्टमेंट के अंदर ही जो हाउसिंग सोसाइटी उसके अंदर ही एक बहुत सुंदर टेम्पल है, और वहाँ के जो सारे वो लोग थे वो इनविटेशन देने के लिए आए थे अभी थोड़े दिन पहले। घर पे बहुत सुंदर 2 कार्ड्स दिए जिसमें राम जी के प्रेज में एक कविता थी और पीले चावल थे जो उन्होंने कहा कि सबको अपने घर में रखने, और वो बहुत ब्लेस्ड राइस थे। और उन्होंने कहा है कि 2 दिन इन अपार्टमेंट्स में किसी किचन में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि ये सोसाइटी जश्न मना रही है, 2 दिनों का जश्न है। सो वो ऐसा बोल के गए थे। तो कल मैं बता भी रही थी कि जब हम जा रही थी, यू नो, मैं सुनीता साथ में थे गाड़ी में, वी हैड गॉन समवेयर, सो मैं रास्ते में ही बता रही थी, मैंने कहा, सुनीता मेरी नेबर है, तो मैंने उसको यही कहा था कि 2 दिन हमें जश्न करना है। तो कहती है हाँ, हम भी कल खाना नहीं बनाएंगे, हम जश्न में शामिल होंगे। So that जश्न वर्ड तो we've already started in the morning। तो ये बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग आज की अभी तक, एंड अभी मैजिक मॉर्निंग। So thank you Ritu for giving it another momentum। Yeah। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bless you, Ritu. Beautiful magic today. Miracle day today. Miracle morning and miracle day. Bye bye. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Bye bye.